हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियर व्लॉग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एग्रीगेट का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करना सिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको सबसे पहले प्रोसीजर बताऊंगा कि आखिर एग्रीगेट का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट किया कैसे जाता है। उसके बाद लास्ट में मैं आपको एग्रीगेट का वाटर एब्जॉर्प्शन फाइंड करना सिखाऊंगा कि आखिर यह सबका कैलकुलेशन किया कैसे जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सब चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइट के लिए भी, कोई एग्जाम के लिए भी, और अगर कहीं आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओगे तो यहाँ से प्रैक्टिकल का क्वेश्चन बनता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि सबसे पहले 2 kg एग्रीगेट वेट कर लेना है, ठीक है। उसको अच्छे से इस तरह से पानी में डाल के उसको अच्छा से धो लेना है, क्योंकि अगर एग्रीगेट में कोई डस्ट या फाइन सैंड है तो उसको अच्छे से धो के सबसे पहले साफ कर लेना है। जैसे ही एग्रीगेट आप साफ कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, एग्रीगेट को इस बकेट में डालना है। पहला स्टेप में आपको एग्रीगेट को वॉश कर लेना अच्छा से। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप में क्या करना है, ये जो वायर मेस बकेट है, ठीक है, इसमें आपको एग्रीगेट को डालना है। तो उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये जो एग्रीगेट आपने बास्केट में डाला हुआ है, ठीक है, इसको क्या करना है कि वाटर में पूरा इमर्स कर देना है। और इमर्स कर देने के बाद इसमें जो एयर प्रेजेंट है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसको ऊपर नीचे करना है। इसको एक बार पानी में जैसे डालो, फिर ऊपर निकालो, फिर पानी में डालो, फिर ऊपर निकालो, इस तरह से आपको 1 सेकंड में एक बार करना है, 25 टाइम्स इस तरह से करना है, ताकि इसमें जो एयर प्रेजेंट है वो सारा बाहर हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जो वायर मेस बकेट है, ठीक है, इसको पूरा पानी में डुबा के और 24 आवर्स के लिए रख देना है। इसको पानी में डुबाते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका बकेट पूरा पानी में होना चाहिए। और दोस्तों वाटर का जो टेम्परेचर है वो आपको 22 डिग्री से 32 डिग्री के बीच में मेंटेन करना है। जैसे 24 आवर्स हो जाता है, ठीक है, तो इसको पानी में डला हुआ रहने देना है। और ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर लगा हुआ है जो वेट करने का मशीन, इसमें आपको क्या करना है, पूरा एग्रीगेट के साथ बकेट के साथ पानी में डला हुआ वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट में ले आता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो, वेट ऑफ सेचुरेटेड एग्रीगेट एंड बास्केट इन वाटर, इसको आपको W1 नोट कर लेना है। रिजल्ट और कैलकुलेशन अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसका प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर दे लेता हूँ, ठीक है। इतना काम करने के बाद आफ्टर 24 आवर्स आपका W1 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि एग्रीगेट को बाहर निकाल देना है, ठीक है, ड्राई ट्रे में, ऐसा नहीं कि कोई गीला ट्रे हो, ट्रे को पूरा पोंछ लेना है। उसके बाद एग्रीगेट को बाहर निकालने के बाद एग्रीगेट को आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई तौलिया या सूखा हुआ कपड़ा से पूरा पोंछ लेना है, और 2 बार पोंछना है कम से कम, ताकि एग्रीगेट में जो वाटर प्रेजेंट है वो सारा खत्म हो जाए, और कम से कम 10 मिनट के लिए उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। और ये जो बकेट है उसको क्या करना है कि आपको फिर से इसको पानी में इमर्स कर देना है, और कम से कम 25 बार ऊपर नीचे करना है, ताकि इसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो बाहर आ जाए। जैसे आप 25 बार इसको ऊपर नीचे कर लेते हो, उसके बाद क्या करना है कि खाली बकेट को पानी में पूरा डला हुआ फिर से वेट कर लेना है, और ये जो आप वेट करोगे ये आपका W2 आ जाएगा। यहाँ पर आप फॉर्मेट में देख सकते हो W2 क्या है, वेट ऑफ बास्केट इन वाटर, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसको वाटर में पूरा अच्छे से सबमर्ज कर लेने के बाद, 25 टाइम्स इसको ऊपर नीचे कर लेने के बाद, तभी इसका वेट करना। यहाँ पर फॉर्मेट W1 हमारे पास है एग्रीगेट और बास्केट का वेट, और W2 जो है वो सिर्फ खाली बास्केट का वेट है। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो एग्रीगेट अभी निकाल के सुखाया था, ठीक है, पूरा तौलिया से पोंछ के पूरा अच्छा जो अभी सुखा के रखा था आपने, उसको क्या करना है कि फिर से उसको वेट कर लेना है, और जो एग्रीगेट का वेट होगा वो हमारे पास आ जाएगा W3। एग्रीगेट को वेट कर लेने के बाद क्या करना है कि इसको ओवन में रख देना है 24 आवर्स के लिए, पूरा ड्राई होने के लिए, ठीक है। और इसका टेम्परेचर मेंटेन कितना करना है, 110 डिग्री सेल्सियस में। ये सब जो मैं आपको छोटा छोटा पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये एग्जाम में और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, जब इसको हम ओवन में रखेंगे तब, जब हम एग्रीगेट को वाटर में रखेंगे तब इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, कितने आवर्स के लिए रखना है, ठीक है, ये सब चीज पूछा जाएगा। ऐसे ही 24 आवर्स हो जाता है, उसके बाद आपको एग्रीगेट को निकालना है, फिर से उसको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपका फाइनली मिल जाएगा W4, और यहां पर हमारा जो प्रैक्टिकल का प्रोसीजर था वो खत्म होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन बताता हूं। सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करेंगे, उसके बाद अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग परमिसिबल लिमिट्स के हिसाब से देखेंगे कि ये टेस्ट पास है या फेल है। पास होता है तब आगे क्या करना है, और फेल हो जाएगा तब आपको आगे क्या करना है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ पूरा कैलकुलेशन करने के बाद। जब मैं इस टेस्ट को परफॉर्म किया हूं, ठीक है, तो मेरे पास जो रिजल्ट है मैं यहां पर लिख देता हूं। W1 मेरे पास आया था 1385, और इसका W1 आया था, देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि 2 टेस्ट परफॉर्म किया हूं, ठीक है, एक टेस्ट का सारा रिजल्ट यहां पे लिखूंगा और दूसरे टेस्ट का सारा रिजल्ट यहां पे लिखूंगा, और जो मीन वैल्यू होगा दोनों टेस्ट का वो फाइनल रिजल्ट में जाएगा। तो यहाँ पर टेस्ट नंबर 1 है और टेस्ट नंबर 2 है, तो यहाँ पर जो भी वेट मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ठीक है, वो टेस्ट नंबर 1 के लिए होने वाला है। टेस्ट नंबर 1 में W1 मेरे पास था 1385, सारा यूनिट ग्राम में है, ठीक है, और इसमें था 1389, और इसका W2 था,
186 और इसका W2 था 186, यहां पर इसका W3 था 2009 और इसका W4 था 1998, इसका W3 आया था 2015 और इसका W4 आया था 2004। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन बताता हूं। यहां पर आप देख सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए W4 बाय W3 माइनस W1 माइनस W2। ठीक, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है यहां पर फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, आपको शॉर्टकट पता होगा। इसका फॉर्मूला है W4 बाय W3 माइनस W1 माइनस W2। बस अब सारा डेटा यहां पर पुट कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसे यहां पर देख सकते हो W4 है, तो W4 हमारे पास क्या है 1998, मैं यहां पर लिख देता हूं 1998 डिवाइड बाय W3 कितना है 2009, यहां पर मैं लिख देता हूं 2009 माइनस W1 माइनस W2, तो W1 कितना है 1385, मैं यहां पर कर देता हूं 1385 माइनस W2 कितना है 186। आप लोग कमेंट में इसका कैलकुलेशन बताओ, ठीक है, कि आपका कितना आ रहा है। जब इसको कैलकुलेट किया हूं तो मेरे पास आ रहा है 2.467 2.4467। यहां पर मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो ये है मेरे पास है 2.467। अब सेम टेस्ट नंबर 2 के लिए इसी तरह कैलकुलेट करना है। यहां पर W4 है, यहां पर W3 है माइनस W1 माइनस W2। आप लोग कमेंट में बताओ आपका कितना आ रहा है। ठीक है, मेरे पास जो आया है वो है 2.468। ठीक है, आपको कमेंट कैसे करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, उसके बाद आपको कैलकुलेट कर लेना है। उससे कैलकुलेट कर लोगे तो कंसेप्ट आपका माइंड में अपने आप फिट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। अब इसका फाइंड करते हैं अपीयरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका कंसेप्ट यहां पर आप देख सकते हो W4 बाय W4 माइनस W1 माइनस W2। देखना, अपीयरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऐसे भी लिख सकते हैं GA। ठीक है, यहां पर मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं, W4 बाय W4 माइनस W1 माइनस W2। इसको मैं अब आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। W4 कितना है 1998 डिवाइड बाय W4 1998 माइनस W1 1385 माइनस W2। देखना, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो और आपका रिजल्ट नहीं आया एक बार में, तो मैं आपको यहां पर कैलकुलेट करके एक बताता हूं आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। देखना क्या करना है आपको, सबसे पहले करना क्या है, यहां पर 1998 है तो 1998 लिख देता हूं, डिवाइड करना है यहां पर 1998 माइनस, अब ये दोनों को पहले कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद इसमें माइनस करना है। तो ये दोनों को जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1199। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है और माइनस प्लस में कहीं दिक्कत हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो इस तरह से कैलकुलेट करना है आपको, देख लेना है आप। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है 1998 और इसको क्या करना है माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 799। ठीक है, अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 2.501। तो मैं यहां पर अपीयरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख देता हूं 2.501 2.501। सेम इसका इसी तरह निकालना है, कमेंट में बताओ इसका भी कितना आ रहा है आपके पास। मेरा आया 2.502। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो अपीयरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी और सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी में दोनों में क्या डिफरेंस था, सारा चीज सेम था, यहां पर W3 था और यहां पर W4 था, बस इतना ही इसमें डिफरेंस है। कंसेप्ट याद करने के लिए आप सिर्फ ये ट्रिक याद कर सकते हो, W3 और W4 यहां पर सिर्फ ये चेंज कर देना है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। अब वाटर एब्जॉर्प्शन का देखते हैं, W3 माइनस W4 इंटू 100 डिवाइड बाय W4, यहां पर मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट का, ठीक है, ये हमारे पास है W3 माइनस W4 बाय W4 इंटू 100 100 यहां पर कर दिया हो तो क्या हो जाएगा कि परसेंट में आ जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर लेना, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं डेटा। ठीक है, मेरे पास जो आया हुआ है तो ये आ जाएगा 0.55 और इसी तरह जब इसका कैलकुलेट करोगे सेकेंड रिजल्ट का तो ये आ रहा है मेरे पास 0.54, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है मेरे पास 0.55 और यह है 0.54। अब देखना,
अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि दो रिजल्ट लेना है, अब दोनों का मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड कर देना है, डिवाइड बाय टू कर देना है। तो ये आ जाएगा 2.468। सेम इसी तरह इसको भी करना है, दोनों को ऐड कर देना है, ये वाला, और डिवाइड बाय टू कर देना है। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2.502। सेम यहां पर इसमें भी करना है, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है, दिया जाएगा 0.54। अब यहां पर देखना, यहां पर है मीन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहां पर सिर्फ मीन वैल्यू आपको लिख देना है। मीन वैल्यू कितना आया स्पेसिफिक ग्रेविटी का, 2.468। यहां पर मैं लिख देता हूं 2.468, और यहां पर मीन वैल्यू ऑफ अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीन वैल्यू कितना आया 2.502। यहां पर लिख देना है मीन वैल्यू ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, तो मीन वैल्यू ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन का लिख देना, मैंने यहां पर निकाल रखा है 0.54। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एग्रीगेट का वाटर एब्जॉर्प्शन का लिमिट कितना है। तो जब कभी भी आप एग्रीगेट का वाटर एब्जॉर्प्शन फाइंड कर रहे हो या कहीं एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एग्रीगेट का वाटर एब्जॉर्प्शन 2% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 2% से ज्यादा आ रहा है तो आपका एग्रीगेट वीक है। तो हमारे तो हमने जो रिजल्ट यहां पर निकाला कितना 0.54, तो ये तो 1% से भी कम है, ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट पास है। वेदर कन्फर्म्स टू द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, यस और नो, तो मेरा टेस्ट जो था वो पास था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यस। दोस्तों ये जो फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है, अगर आप साइट पे काम करवा रहे हो या टेस्ट के लिए ऐड करना चाहते हो तो सेम फॉर्मेट आप कॉपी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको कहीं आने वाला नहीं है। दोस्तों अगर आप सिविल इंजीनियरिंग का टेस्ट देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट नीचे दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि साइड में कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है प्रैक्टिकल में, ठीक है, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और एग्रीगेट का अगर टेस्ट देखना चाहते हो कौन कौन सा टेस्ट होता है उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। और दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट करके बताओ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, कौन सा टेस्ट आपको सीखना है या कौन सा टेस्ट का वीडियो आपको चाहिए, आप कमेंट करके बताओ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।